परमेश्वर के कामों में आगे बढ़े। आइए इस वक्त मैं हम परमेश्वर के वचन की ओर मुड़ेंगे। चाहूँगा आप मेरे साथ प्रेरितों के काम उसकी आठवीं अध्याय, प्रेरित उसकी आठवीं अध्याय और 4 से लेकर 8 वचन निकालें। प्रेरितों के काम उसकी आठवीं अध्याय 4 से लेकर 8 वचन। आज जो बाइबल स्टडी मैं आपके बीच में लेने वाला हूँ उसका विषय है आत्माओं को जीते या आत्माओं को जीतना। आत्माओं को जीतने का मतलब है उन लोगों को जो नाशमय जीवन जी रहे हैं, पाप में जीवन जी रहे हैं, जो यीशु के बिना अनेक प्रकार के बंधनों में हैं और उद्धार नहीं पाए हैं, उन लोगों को सुसमाचार सुनाकर प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा उद्धार पाने के लिए सहायता करना। और ये हम सुसमाचार सुनाने के द्वारा करते हैं। हम यीशु मसीह के सुसमाचार को उन तक ले आते हैं और उन्हें प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए, स्वीकार करने के लिए हम इंकरेज करते हैं, उत्साहित करते हैं, अपनी गवाही को उनके साथ बांटते हैं, उन्हें चर्च में आमंत्रित करते हैं। और प्रिय भाई और बहनों, हम इस कृति के द्वारा, इस काम के द्वारा आत्माओं को जीतने का कार्य करते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया, आत्माओं को जीतना मतलब ये युद्ध या आत्मिक युद्ध का एक भाग है, मसीह जीवन का महत्वपूर्ण भाग है। जैसे मसीह जीवन के अंदर प्रार्थना, बाइबल पढ़ना, चर्च में जाना, परमेश्वर के राज्य में देना, ये महत्वपूर्ण है। वैसे 5वां जो महत्वपूर्ण भाग जो है वो है परमेश्वर के राज्य का, प्रभु यीशु का सुसमाचार फैलाना। और सुसमाचार तुम और मैं ही लोगों को सुना सकते हैं। स्वर्गदूत नहीं आएंगे या मरा हुआ व्यक्ति कोई जिंदा होकर आकर सुसमाचार नहीं सुनाएगा। तो परमेश्वर ने जो जीवित तुम और मैं हैं, जिनका उद्धार हुआ है, ऐसे ही लोगों को परमेश्वर सुसमाचार की सेवकाई के लिए चुनता है और उन्हें इस काम के लिए वो आगे भेजता है। उदाहरण दीजिए प्रिय भाई और बहनों, इसके अंदर कोई भी भेद नहीं किया गया है। ये केवल पास्टर का ही काम नहीं है, ये चर्च में क्वायर लीडर्स का ही काम नहीं है, ये केवल उन लोगों का काम नहीं है जिन्होंने इस विशेष ट्रेनिंग लिए हैं। नहीं प्रिय भाई और बहनों, ये चर्च में आने वाले बच्चों से लेकर बूढ़े तक, स्त्री से लेकर पुरुष तक, हर किसी का काम है। इसके अंदर पास्टर भी आते हैं, पास्टर की पत्नी भी आते हैं, पास्टर के बच्चे भी आते हैं, चर्च के अंदर आने वाली फैमिलीज आती है, सिंगल्स आते हैं, पति आते हैं, पत्नी आती है, टीनेजर आते हैं, वयस्क आते हैं। सभी लोगों का ये कर्तव्य है, उनकी ड्यूटी है, जिम्मेदारी है कि वे प्रभु यीशु को लोगों तक पहुँचाएँ और इसके द्वारा वे चर्च की संख्यात्मक रीति से वृद्धि होने के लिए सहायता करते हैं। चर्च इसके द्वारा बढ़ता है और हम पवित्र शास्त्र में यही पढ़ते हैं। आप देखते हो क्यों प्रेरितों के कामों के अंदर चर्च बढ़ता गया, 3,000 से 5,000, 5,000 से 10,000, फिर वो शहरों में, गांव में और पूरे राष्ट्र में, फिर देश विदेश में फैलता गया। क्योंकि वहाँ पर लोग थे जिन्होंने सुसमाचार के हथियार को धारण किया और वे आ गए। तो आज हम देखने वाले कैसे हम आत्माओं को जीत सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए और कैसे अपने आप को हम इसके अंदर लेकर जा सकते हैं। तो इन वचनों को हम पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम उसकी आठवीं अध्याय 4 से लेकर 8 वचन। जो तितर बुतर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे, फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह व दिखाता था उन्हें देखकर एक चित्त होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ तेरे वचनों के लिए, तुम से बातें कर, तेरा वचन हमारे जीवन में काम करे पिता, लोग आशीष पाए पिता, प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता। में पहली बात जो मैं आपके साथ बांटने वाला हूँ ये है, आत्माओं को जीतने के लिए सबसे पहले खुद को तैयार करें। प्रिय भाई और बहनों, ये बहुत ही आवश्यक है कि आपको इस बात का एहसास हो
कि आप कलीसिया ये चर्च के महत्वपूर्ण भाग हो और परमेश्वर ने इस सेवकाई के लिए आपको चुना है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, इसके लिए आपके अंदर की डर, लज्जा और सभी प्रकार की हिचकिचाहट, सभी प्रकार के बहाने आपको निकाल देना है और सुसमाचार सुनाने के बोझ से भरना है। आपको क्या करना है, आपको लोगों के लिए दया अपने अंदर आने के लिए अपने आप को समर्पित करना है, आपको उनके दर्द को समझना है, आपको झांकना है कि वे लोग किस प्रकार का जीवन जी रहे, यदि वे उद्धार नहीं पाएंगे तो वे नाश हो जाएंगे और अनेक ऐसी बातें। आपको अपने अंदर उस बोझ को लाना है और जब तक ये बोझ आपके अंदर नहीं आएगा तब तक आप या मैं प्रभु यीशु का सुसमाचार लोगों तक पहुँचा नहीं सकते। और इसीलिए प्रिय भाई और बहनों, हमें वो मसीह बनना है जो प्रेम रखते हैं, जो बोझ रखते हैं लोगों के लिए, जो उद्धार उनके उद्धार पाने के लिए। और इसीलिए प्रिय भाई और बहनों, सुसमाचार का बोझ हमारे अंदर आना बहुत ही आवश्यक है। और यदि आज आपके अंदर वो बोझ है, यदि आज इन कुछ पिछले कुछ उपदेशों को सुनकर आपके अंदर ये आग उत्पन्न हुई कि जब लॉकडाउन खुलेगा या अभी मैं कुछ लोगों को यीशु के बारे में बताऊंगा, मैं सुनाऊंगा, यदि आपके अंदर ये एहसास आया है तो प्रिय भाई और बहनों, इस एहसास को अपने अंदर बढ़ने दीजिए और मौका ढूंढिए कि आप किसी न किसी को प्रभु यीशु का सुसमाचार सुना पाए। आमीन। और इसके लिए बहुत ही आवश्यक है कि आप एक योजनापूर्वक तरीके से आगे जाए, आप योजनापूर्वक तरीके से अपने आप को तैयार करें। और इसीलिए जब आप बाइबल पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा लूका मरकुस उसकी पहली अध्याय, और मरकुस की पहली अध्याय में हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह पत्रस और यूहन्ना को बुलाता है, वह उन्हें कहता है मैं तुम्हें मनुष्य के मछुआरे बनाऊंगा। पत्रस उसकी पहली अध्याय 17 और 18 वचन, वो कहते हैं मेरे पीछे आओ तो मैं तुम्हें मनुष्य के मछुए बनाऊंगा। तो जब यीशु मसीह ऐसा कह रहा है कि मैं तुम्हें मनुष्य के मछुए बनाऊंगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मच्छी पकड़ना या मछली पकड़ना या मछुआरे का जो काम होता है वो ऐसे नहीं होता कि वो सुबह उठा और गया, उसने जाल डाला और मच्छी पकड़ के ले आया। प्रिय भाई और बहनों, इसके लिए तैयारी की आवश्यकता होती है, उसे जाल को तैयार होना करना पड़ता है, उसे ऐसा जाल बुनना पड़ता है, उसे जाल की देखभाल करनी पड़ती है, उसे देखना पड़ता है कि जाल कहीं फटा हुआ तो नहीं है, कहीं वो मछली को अंदर लेने के या उसे पकड़ने के, उन्हें फंसाने के लिए काबिल है कि नहीं। और इसीलिए वो जाल को अच्छी तरह से तैयार करता है, या वो ख़राब हुआ है तो वो नया लाता है, फिर वो नाव को तैयार करता है, क्योंकि जब वो मछली पकड़ेगा तो उसे नाव में रखेगा। क्या नाव उन मछलियों को समाविष्ट करने के लिए, जमा करने के लिए योग्य है या नहीं? जितनी मछली आएगी उन्हें उठाने के लिए लोगों की आवश्यकता होती है, उसे बटोरना, उसे फिर उसके बाद उन्हें योग्य जगहों पर रखना। तो मछली पकड़ना एक योजनाबद्ध काम होता है, वैसे ही सुसमाचार सुनाना एक योजनाबद्ध काम है। ये परमेश्वर की सेवकाई है और हर एक मसीह को इसे योजनाबद्ध तरीके से करना सीखना चाहिए, और तभी हम एक सफल और उत्साहवर्धक सुसमाचारक बन सकते हैं। आमीन। हमें अपने जीवन के अंदर एक पैटर्न बनाना है, अपने जीवन के अंदर एक रूपरेखा बनानी है, जिसके द्वारा हम प्रतिदिन, हफ्ते में कुछ दिन या प्रतिदिन कुछ घंटे या हफ्ते में कुछ घंटे हम इस सेवकाई के लिए खास करके समर्पित होकर आगे बढ़ सके। और इसीलिए प्रिय भाई और बहनों, योजनापूर्वक तैयारी करना बहुत ही आवश्यक है कि हम इस काम में अच्छे और निपुण हो। तो सबसे पहली बात यह है कि निपुण होने के लिए हमें क्या करना है, या हमें इस काम में अच्छे बनने के लिए क्या करना है। तो प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप अच्छे सुसमाचारक बनना चाहते हो, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, आपको कंटिन्यूसली इसे करने के लिए समर्पित होना है। ये एक ऐसा नहीं कि एक शनिवार को आप रास्ते पे सुसमाचार सुनाने के लिए आए, या आपने आज मेरा प्रचार सुना और कल या एक हफ्ते के लिए आपने सुसमाचार सुना है फिर आप चुप बैठे, नहीं। आपको अपने जीवन का एक भाग इसे बनाना है। जैसे आपने कदाचित जिम अपने जीवन का भाग बनाया कि आपने सोचा हर सुबह मैं 1 घंटा जिम करूँगा, या आपने
अन्य कोई चीज़ें होगी जिसे अपने जीवन का मुख्य भाग बनाया होगा, वैसे ही सुसमाचार जीवन के अंदर आपको एक जगह पे फिट करना है। आपको इसके लिए समय अलग करना है कि ये समय मैं सुसमाचार के लिए इस्तेमाल करूँगा। दूसरा, आपको मौक़ों को ढूंढना है। प्रिय भाइयों और बहनों, ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप ऐसे मौक़ों को ढूंढें जिसके द्वारा आप लोगों को सुसमाचार सुना सको। कई बार जब हम रिक्शा में यात्रा करते हैं, बस में यात्रा करते हैं, ट्रेन में यात्रा करते हैं, कई बार जब आपकी छुट्टी होती है मध्य भोजन की काम के अंदर, या प्रिय भाई और बहनों आप अपने दोस्तों के साथ कहीं पर होते हैं और परमेश्वर वहाँ पर आपको ऐसा मौका देता है कि आप बोले, कुछ ऐसा विषय निकल आता है जिसे हम सुसमाचार की ओर मोड़ सकते हैं। तो प्रिय भाई और बहनों, न केवल एक अलग की अवस्था में प्रभु कई बार हमें ऐसे मौके देता है, समय देता है कि हम लोगों को यीशु के बारे में, उद्धार के बारे में बता सके या अपनी गवाही हम उनके साथ बांट सके। कदाचित कोई फाइनेंशियली या कोई बीमारी में पीड़ित है और आपको पता चला, वो कहता है अरे मेरी मम्मी बहुत बीमार है, या मेरा पिता बीमार है, या मेरा भाई बीमार है, पत्नी बीमार है, या पति बीमार है, या अन्य कोई कारण। प्रिय भाई, आप कह सकते हो अरे मैं भी बीमार था, या मेरे भी घर में कोई बीमार था, लेकिन मैंने प्रभु यीशु से प्रार्थना की और प्रभु ने मेरा उद्धार किया या मुझे उस बीमारी से छुटकारा दिया। आई मीन, आप ऐसे मौक़ों को देखिए और जब भी ऐसा मौका आपको मिलता है पकड़ लीजिए। क्या आप जानते हैं, जाल डालकर हम जाल एक साथ कई मछलियों को पकड़ सकते हैं, लेकिन कई बार हम देखते गल मराठी में या हिंदी में उसे कहते हैं, एक लकड़ी होती है, लकड़ी को एक नायलॉन का धागा उसके हुक डाल के मछली पकड़ी जाती है और एक समय पे एक ही मछली हम पकड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से भी आप सुसमाचार के लिए आगे जा सकते हो। जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हो, प्रभु आपको मौका देता है और जैसे ही वो पॉइंट आपको मिलता है, आप अपने आप को सुसमाचार सुनाने के लिए समर्पित करते हो। तो ये चीज़ है, हम अपने समय को बाजू में निकालें, एक समय विशिष्ट आप निकालें जिस समय में आप सुसमाचार सुनाने के लिए अपने दोस्त, रिश्तेदार या परिवार वालों को बता सकें। तो हमारे फेलोशिप के अंदर या हम लोग जो हैं कलीसिया के अंदर दो प्रकार से सुसमाचार सुनाते हैं। एक सबसे पहला सार्वजनिक रीति से हम सुसमाचार सुनाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हम कई बार आउटरीच करते हैं रस्ते के ऊपर, हम ट्रैक्स लेते हैं, फ्लायर्स लेते हैं, शनिवार को या जो भी हमारी सभा रिवाइवल से पहले हम रास्ते पे जाते हैं, फिर हम घर घर पे जाते हैं, डोर टू डोर रास्ते पे जाते हैं और उन्हें यीशु के बारे में फ्लायर या ट्रैक्स के द्वारा, कई बार हम स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं। तो इस समय को आप समर्पित रहिए, आप आइए इस समय पर। और साथ ही साथ जब हम घर या हम कॉन्सल्ट करते, कई बार फिल्म दिखाते हमारे दूसरे अन्य फेलोशिप के अंदर फिल्म दिखाते, जब हमारा कलीसिया थी तब भी हम फिल्म दिखाते थे, कई बार शनिवार को हम गाने या नाटक करते थे। तो मैं चाहूँगा कि इस चीज़ के लिए आप अपने आप को समर्पित कर सकते हो, या घर में आप एक विशेष पार्टी रख सकते हो, टी पार्टी, और अपने दोस्तों को आप बुला सकते हो और उन्हें उस विशेष सभा में अपने पास्टर को या कोई चर्च का भाई है जिसकी गवाही जो दे सकता है अच्छी रीति से, और उन्हें आप बुलाकर आप अपनी गवाही को शेयर कर सकते हो। तो आपको सार्वजनिक रीति से जब सुसमाचार सुनाना है, आपको ये योजना करना है, आपको भाग लेना है या आपको जो कार्यक्रम तैयार करना है कि जिसके द्वारा आप सुसमाचार सुना सके। आप अपने घर पे अपने दोस्तों को मूवी सुनाने के दिखाने के लिए बुला सकते हो, जो गॉस्पल मूवी होगी। तो आप दिल तो पागल है मूवीज बता दिखाने के लिए बुलाओगे? नहीं प्रिय भाई, आपको गॉस्पल मूवी उन्हें दिखाने के लिए बुलाना है। तो सार्वजनिक रीति से जब आप सुसमाचार सुनाते हो, आप ज़्यादा लोगों तक पहुँचते हो, जैसे आउटरीच हुआ, रास्ते पे सुसमाचार सुनाना, ट्रैक्स बांटना, और यहाँ पर एक व्यक्ति नहीं होता, कई लोग हमारे साथ सहभागी होते हैं, पास्टर्स होते हैं, बहन भाई मिलकर सुसमाचार सुनाते हैं और ये बहुत ही अच्छा रहता है। जब भी ये समय होता है आपको इस सार्वजनिक सुसमाचार के अंदर भाग लेना है, और न केवल आपको भाग लेना है बल्कि आपको अपने घर के ऊपर भी आप इन सभी चीज़ों को कर सकते हो, मूवी दिखा सकते हो या आप
प्रार्थना सभा रख सकते हो जिसके अंदर आप अपने दोस्तों को सुनाते हो। दूसरा तरीका सुसमाचार का जो तुम और मैं इस्तेमाल करते हैं वो है व्यक्तिगत रीति से हम लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं। तो व्यक्तिगत रीति से हम क्या करते हैं, हम अपने दोस्तों को सुसमाचार सुनाते हैं, रिश्तेदारों को जिन्हें हम जानते हैं, परिवार के सदस्यों को, काम पर हमारे जो सहकर्मी हैं, स्कूल में जो हमारे साथ पढ़ाई करते हैं या ट्यूशन के अंदर, या यात्रा करते समय जैसे अभी मैंने बताया, या आप कभी बगीचे में जाओगे जिनके साथ आपकी दोस्ती हुई, जिन्हें आप पहचानते हो, कर ये दूध वाला होगा, स्त्री वाला होगा या अन्य कोई होगा, ऐसे बहुत से लोगों को आप सुसमाचार सुनाते हो। तो व्यक्तिगत रीति से जब आप सुसमाचार सुनाते हो तो सबसे पहले आपको ये करना है, आपको प्रार्थना करनी है, मैं आपको उन लोगों की लिस्ट बनानी है जिन जिनका उद्धार नहीं हुआ है, कहीं वो आपका चाचा होगा, मामा होगा, भाई होगा, बहन होगी, माँ होगी, पिता होगी, उनकी लिस्ट बनाइए, आपके दोस्तों की लिस्ट बनाइए, आपके रिश्तेदारों की लिस्ट बनाइए, काम पे जो लोग हैं उनकी लिस्ट बनाइए, स्कूल में जो पढ़ाई करते हैं आपके साथ उनकी लिस्ट बनाइए, यात्रा में जो जिन्हें आप पहचानते हो उनके नाम पता नहीं तो यात्री नंबर 1-2 या आप उनकी शक्ल जानते हो, अंदाज से आप लिस्ट बनाइए कितने लोग, बगीचे में जब आप, और प्रिय भाई और बहनों उनके लिए स्पेसिफिकली आप प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रिय भाई और बहनों प्रार्थना लोगों को बदलने की शक्ति रखती है, वो मार्ग खोलती है। हमें हम देखते हैं परमेश्वर के वचन के अंदर किस प्रकार से जब परमेश्वर के लोगों ने प्रार्थना की परमेश्वर ने उनके लिए मार्ग खोले। आई मेरे साथ पढ़े प्रेरित काम उसकी 34 अध्याय की 29 वचन और 30-31 वचन। तब उन्होंने क्या प्रार्थना किया, अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देकर अपने दासों को वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए, चंगा करने के लिए तो अपना हाथ बढ़ा, चिन्ह अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। और जब वे प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान जहाँ इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाने लगे। और फिर हम देखते आगे किस प्रकार से परमेश्वर के कलीसिया बढ़ती गई। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रार्थना क्या कर सकती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रेरितों ने प्रार्थना की, उन्होंने प्रार्थना की कि परमेश्वर हमें तो मदद कर। उन्होंने प्रार्थना की किस चीज़ के लिए, उन्होंने प्रार्थना की कि हम तेरा वचन बड़े हियाव से सुना सके। तो ये सुसमाचार का वचन धैर्य के साथ सुनाया जाए इसलिए प्रार्थना के साथ अपने आप को तैयार करना बहुत ही ज़रूरी है, न केवल अपने लिए बल्कि जिन लोगों को आप बताने वाले हो, जिनके आपने लिस्ट सुनाया बनाई, या आपको पता नहीं कि आप किन्हें सुनाए बताने वाले, जिस एरिया में हम जाने वाले हैं कदाचित कल्याण में या थाने में या थाने के किसी एरिया में, जैसे थाने चर्च के लोगों को पता है मनोरमा नगर या ढोकाली या जहाँ कहीं भी हम जाते हैं कापुर बावड़ी, उस स्थान के लिए वहाँ के लोगों के लिए प्रार्थना करें। और यह हमने कोई विशेष सभा रखी है, कार्यक्रम रखा है जैसे फिल्म का, नाटक का या पार्टी, प्रिय भाई और बहनों उस चीज़ के लिए प्रार्थना करें और प्रार्थना करें कि प्रभु तुम्हें मदद करे व्यक्तिगत रीति से कि आप उन्हें हियाव से धैर्य के साथ प्रभु यीशु के बारे में बता सके, पवित्र आत्मा की सहायता मांगे क्योंकि पवित्र आत्मा आपको मदद करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जब उन्होंने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने प्रार्थना की और उन्हें पवित्र आत्मा से भरा और वे हियाव से परमेश्वर का वचन सुनाने लगे। तो हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है और हमें मदद करता है कि हम धैर्य के साथ उसके वचन को लोगों को सुनाएंगे। और एक चीज़ और एक तैयारी हमें करनी है, प्रार्थना और पवित्र आत्मा के सहायता के साथ ही साथ हमें अपने आप को परमेश्वर के वचन के अंदर तैयार करना है, आप क्या बोलने वाले हैं। आमीन, ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि प्रिय भाई और बहनों जाल जब आप डालते हो तब मछलियों को आकर्षित करने के लिए वहाँ पर जो मछुआरा ऐसे कुछ चीज़ों को, ब्रेड या ऐसी चीज़ों को फेंक देता है जिसको खाने के लिए जो है मछली आए, तो वो ऐसे स्थान को ढूंढता है जहाँ पर मछलियों के लिए भोजन हो, और यदि मछलियों के लिए भोजन नहीं होगा तो वो मछलियाँ उस जगह पे इकट्ठा नहीं होगी। तो हम देखते हैं कुछ विषयों के ऊपर, आई दिनों में मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि भारत में
यलेड़ी लगाकर मछली पकड़ने पे रोक लगा देते। ये यलेड़ी जो है क्या करती है, यलेड़ी एक उजाला है जो हैलोजन या जो भी लाइट्स हैं उस समुंदर में लेकर जाते हैं, उसे लगाया जाता है। वो लाइट्स को देखकर वहाँ पर कीड़े आकर्षित होते हैं या जो भी मछलियाँ है जो हैं छोटी मछलियाँ आकर्षित होते हैं, उन्हें खाने के लिए बड़ी मछलियाँ आकर्षित होती है और इसके द्वारा वे वहाँ पर बड़ी मात्रा में मछली पकड़ सकते हैं। तो प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का उद्धार यदि हमें लोगों तक पहुँचाना है तो हमें अपने आप को प्रार्थना में तैयार करना है, पवित्र आत्मा में तैयार करना है, साथ ही साथ तुम्हें और मुझे अपने आप को वचन में भी तैयार करना है। तो यदि आपको लोगों को आप लोगों तक पहुंचते हो तो उन्हें देने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए। जब आप पढ़ते हो हृदय काम उसके तीसरे अध्याय छठवां वचन में कहते हैं, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं परंतु जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूँ, यीशु मसीह नासरे के नाम से चल फिर। तो ध्यान दीजिए प्रिय भाई और बहनों, पत्रस और यूहन्ना के पास क्या था देने के लिए, प्रभु यीशु का नाम अर्थात सुसमाचार, सुसमाचार के वचन। तो आपको सबसे पहले अपने आप को सुसमाचार सुनाने के लिए यदि तैयार करना है तो आपको परमेश्वर के वचन में बढ़ना होगा। मैंने कहता कि आपको थियोलॉजी पढ़नी है, मैंने कहता कि आपको कोई डिग्री लेनी है या कोई बाइबल कोर्स करना है, लेकिन आपको उन वचनों को निकालना है, उन विषयों का अध्ययन करना है जो सुसमाचार सुनाने के लिए महत्वपूर्ण है। उसमें कुछ बातें हैं। सबसे पहला हमें इस बात का अध्ययन करना है कि पाप क्या है या पाप का परिणाम क्या है। दूसरा, लोग जो परिस्थिति में हैं पाप में है या जो परिस्थिति में, कौन उन्हें छुटकारा दे सकता है, वो है प्रभु यीशु मसीह, और कैसे प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें छुटकारा दिया। तो यीशु मसीह ने क्रूस पे बलिदान किया और मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। तो ये सिंपल चीज़ है जो आपको अलग अलग प्रकार से या दो तीन या तीन चार आपको ऐसे विषय बनाने होंगे और आप उसे लेकर लोगों को बता सकते हो, या आप कोई चमत्कार को ले सकते हो। जैसे यीशु मसीह ने कुष्ठ रोगी को चंगा किया, आप उसे लेकर बता सकते हो। आप बाइबल के कुछ पदों को ले सकते हो, जैसे यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दिया। तो आप इसके तीन भाग कर सकते हो। आप कहते हो परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, क्यों किया, क्योंकि उसने हमें बनाया है। आपको लोगों को भी देखना है कि लोग कौन से परिस्थिति में, क्या लोग दुख में, क्या उन्हें आर्थिक घटी है, क्या बीमार हैं, और उसके अनुसार उन तक आपको पहुँचने के लिए काबिलियत रखनी होगी। और साथ ही साथ आपकी गवाही महत्वपूर्ण है, न केवल आपकी गवाही, उन लोगों की भी गवाही का आप इस्तेमाल कर सकते हो। चर्च में जो लोग आते हैं जिनके जीवन में परमेश्वर ने कुछ बदलाव किए, किसी को परमेश्वर ने चंगाई दी, किसी के आर्थ कर्जों को परमेश्वर ने दूर किया, किसी को अद्भुत रीति से परमेश्वर ने जॉब दिया, या ऐसी गवाहियों का आप सुसमाचार में उपयोग कर सकते हो। और कम से कम शब्दों में, कम से कम मिनटों में, 5 या 10 मिनट के अंदर आप यीशु के बारे में लोगों को बताकर उन्हें इस निर्णय तक ले आ सकते हो कि वे प्रभु यीशु को ग्रहण करें। और मैंने देखा है लोग यीशु के बारे में सुनते हैं। आमीन। आप ये मत सोचिए कि क्या लोग सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। आमीन। किसी ने कहा है आप बाहर आइए और जलने लगे, लोग अपने आप देखने आएंगे कि क्या जल रहा है। तो यही मसीह जीवन के अंदर आपको सीखना है कि आपको परमेश्वर के वचन को अपने अंदर देना है। कुछ जैसे रोमियों का मार्ग है, रोम 3:10, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं है। रोम 3:23, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हुए। रोम 6:10 उसका वचन, 19 मेरे ख्याल से, और पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। और रोम 5:5 के अंदर, और परमेश्वर ने अपने प्रेम का प्रमाण दिया कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, जैसे देख मैं तेरे द्वार पे खड़ा हूँ। तो प्रिय भाई और बहनों, तुम और मैं क्या कर सकते हैं, इन वचनों से अपने आप को तैयार कर सकते हैं, गवाही को तैयार कर सकते हैं। एक अच्छी गवाही हम लोगों के साथ बांट सकते हैं, साथ ही साथ हम उनके तकलीफ़ों को देखते हैं कि वो किस परिस्थिति में है और उसके अनुसार हम उन्हें बताते हैं। आप ट्रैक्स का उपयोग कर सकते हो, या आपके पास कुछ साधन है
मैंने एक पहले मेरे पास एक ट्रैक्स हुआ करता था जिसके अंदर चित्र हुआ करते थे, 4 से 5 चित्र, और उन्हें बताते हुए मैं उन्हें सुसमाचार सुनाता था। कई बार हम फ्लैश का उपयोग करते हैं और फिर फ्लैश में जो लिखा है उन्हें स्पष्ट करके बताते हैं। तो ये सुसमाचार सुनाने के लिए आपको वचन में अपने आप को तैयार करना है। और आखिरी जो मुद्दा मैं आपके साथ बांटने वाला हूँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब आप सुसमाचार सुनाओगे उसके बाद क्या? कई बार मैं देखता हूँ लोग क्या करते हैं, पर्चिया लेते हैं, फटाफट 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 लोगों को बांट के निकल जाते हैं। तो ध्यान दीजिए प्रिय भाई बहनों, हम ऐसे घाई घाई में सुसमाचार नहीं सुनाना है हमें, बल्कि हमें लोगों को मिलना है, या अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जो व्यक्तिगत रीति से आप बताते हो या सार्वजनिक रीति से, आप लोगों से बातें कीजिए 2 मिनट 3 मिनट या 5 मिनट, और यीशु को अंगीकार करने के लिए बताएं। साथ ही साथ उन्हें चर्च में इनवाइट करें। हमें ये बहुत ही ज़रूरी है, ध्यान दीजिए, यदि सुसमाचार सुनाया जाता है, लोगों को चर्च में इनवाइट नहीं किया जाता है, तो उस सुसमाचार का कुछ भी उपयोग नहीं है। हमें क्योंकि आप उन्हें चर्च में नहीं लेके जाते। कितने लोग क्या करते, जाल डालते या और मच्छी जैसे बाहर आती उसे फिर से निकाल के ये फिर से पानी में फेंक देते। नहीं, उसके लिए एक डेस्टिनेशन है, उसके लिए एक जगह है जहाँ पर उसे रखना है, उसे एक स्थान पे जाना है। वैसे ही जिन आत्माओं को आप यीशु के बारे में बताते हो, आपको क्या करना है, आपको उन्हें चर्च में इनवाइट करना है, या आप अपने घर पे भी, आपके घर पे जो बाइबल स्टडी है, पार्टी आप रखते हो, वहाँ पर आप उन्हें इनवाइट कीजिए। उनका नंबर लीजिए, उनका फ़ोन नंबर लीजिए, उनका कांटेक्ट नंबर लीजिए, उनके घर का एड्रेस लीजिए, यदि वे रास्ते में यात्रा करें तो उनसे फ़ोन नंबर लीजिए, घर का एड्रेस लीजिए, और उनसे पूछिए कि क्या हम आपके घर पर आ सकते हैं फिर से एक बार। फॉलोअप उसे हम कहते हैं, फॉलोअप। तो प्रिय भाई और बहनों, ये बहुत ही ज़रूरी है कि जब आप किसी को सुसमाचार सुनाते हैं, उन्हें ऐसे ही छोड़ देना नहीं, भूलना नहीं है, बल्कि हमें फॉलोअप करना है, उन्हें चर्च में इनवाइट करना है और जाकर देखना है 1 हफ्ता 2 हफ्ता या जितना भी प्रभु हमें अगुवाई करता है, और हमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चर्च में आने के लिए उत्साहित करना है। तो ये महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि ध्यान दीजिए, जित सुसमाचार सुना के ही वहाँ पर ख़त्म नहीं होता है, बल्कि जब आप किसी आत्मा को जीतते हो, यीशु को ग्रहण करता है, चर्च में आता है, तो उसे प्रभु में बढ़ना है और उसे सेवकाई में आगे बढ़ना है, परमेश्वर के राज्य को, स्वर्ग को अपना घर बनाना है, और इसके लिए उसकी तैयारी होनी बहुत ही ज़रूरी है। उसे विश्वास में आगे बढ़ना है, उसे बपतिस्मा लेना है, और यदि प्रभु की योजना उसके जीवन में है तो उसे परमेश्वर के लिए जीते हुए जीना है। तो इसके लिए जब तुम और मैं सुसमाचार सुनाते हैं, तो ये बहुत ही आवश्यक होता है कि हम उन लोगों को चर्च में इनवाइट करें, प्रार्थना की जगह पे इनवाइट करें, ताकि वे लोग उद्धार का जीवन जी सके। तो इसके लिए उनका फ़ोन नंबर लीजिए, उनसे कांटेक्ट कीजिए, उन्हें यदि वो आपके दोस्त हैं तो उन्हें चर्च में आने के लिए पिक कीजिए, उन्हें रिमाइंड कीजिए, यदि रविवार के दिन चर्च है तो शुक्रवार से ही उन्हें आप इनवाइट बताते रहे, अरे रविवार को हमारा चर्च है, सुबह उसको कॉल कीजिए, शनिवार को उसे कॉल कीजिए और उसे कहिए मैं तुझे लेने के लिए आऊँगा, तो तैयार रही, आधा घंटा पहले जाइए। आई मीन चर्च आपका 11 बजे, और 11 बजे जाके उसके घर पे मत रहिए, आधा एक पौन घंटा पहले जाइए, उसे मिलिए, आई मीन उसे उत्साहित कीजिए, उसे चाय पे आमंत्रित कीजिए, उसे भोजन पे आमंत्रित कीजिए, कैसे भी करके प्रिय भाई और बहनों, उसके उद्धार को मसीह जीवन के अंदर जीने के लिए उसे मदद कीजिए, आई मीन, और तब आपके सुसमाचार का जो काम है वो उस व्यक्ति के लिए पूरा होता है। तो ये सारी बातें थी आपको अपने जीवन के अंदर समझनी है, ताकि आप एक अच्छे सुसमाचारक बन सको। तो ये सभी चीज़ें हैं, आज हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा है, हमें खुद को तैयार करना है सुसमाचार के लिए, और कैसे हम तैयार करेंगे इसके बारे में हमने देखा है। हमें लिस्ट बनानी है, प्रार्थना करनी है, सार्वजनिक रीति से जब हम सुसमाचार सुनाएंगे तब हमने क्या करना है, व्यक्तिगत रीति से क्या करना है। तो इस प्रचार को लगा तो आप फिर से एक बार सुनिए, ताकि आपके आत्मिक जीवन में इस सुसमाचार की सेवकाई में आपको फ़ायदा मिले। यदि आपको कोई प्रश्न है
तो आप मुझे पूछ सकते हो चर्च के लोग, यदि आप चाहते हो कि किस व्यक्ति से कैसे बातें करना है तो आप मुझे पूछ सकते हो व्हाट्सएप के ऊपर या कमेंट में, तो ज़रूर हो सके तो मैं आपको मदद करूँगा। प्रभु आप सबको आशीष करें। आइए इस वक्त हम प्रार्थना में समाप्त करेंगे, उससे पहले मैं उन लोगों से बातें करना चाहूँगा जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु को नहीं दिया है। आज आप इस स्थान पर हों, आपने अपना जीवन प्रभु यीशु को नहीं दिया है और पहली बार आप प्रभु यीशु को अपना जीवन देना चाहते हो, आप अपना हाथ इस स्थान पर उठा सकते हो। ठीक है, वो लोग जो पहली बार प्रभु यीशु को अपने जीवन में लेना चाहते हैं, मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहूँगा कि आप मेरे पीछे इस प्रार्थना के कहे, प्रभु यीशु मैं मानता हूँ मैं पापी हूँ, मेरे पापों की क्षमा कर, मेरे जीवन में आ तो मुझे मदद करो। मसीह लोगों, मैं आप सभी को बातें करना चाहूँगा, बहुत ही आवश्यक है कि हम योजनाबद्ध तरीके से प्रभु यीशु के सुसमाचार को लोगों तक पहुँचाएं ताकि अनेक आत्माओं को हम प्रभु यीशु के लिए जीत सकें। हम देखते फिलिपुस उस नगर में गया, उसने कई लोगों को सुसमाचार सुनाया और उनके उद्धार का वो कारण बना। और मसीह जीवन के अंदर बहुत ही आवश्यक है कि हम भी इसी प्रकार से लोगों तक पहुँचें और उनके उद्धार के लिए प्रभु यीशु का सामर्थ्यशाली सुसमाचार उन तक पहुँचाएं। प्रभु ने आपके लिए चुना है, आपको कहोगे मेरी उम्र कम है, नहीं, प्रभु ने आपको चुना है। यदि आप बच्चे हो प्रभु ने आपको चुना है, यदि आप बूढ़े हो प्रभु ने आपको चुना है। प्रभु आपके अनुभवों का उपयोग करना चाहता है, जवानों प्रभु आपकी शक्ति का उपयोग करना चाहता है, आपके उत्साह का उपयोग करना चाहता है। बहनों परमेश्वर आपका उपयोग करना चाहता है क्योंकि दया और प्रेम आपके अंदर है। भाइयों और बहनों मसीह प्रभु आपका इस्तेमाल करना चाहता है ताकि खोए हुए लोगों को वो ढूंढ कर आपके द्वारा प्रभु यीशु की महिमा में चलाए। और इसीलिए बहुत ही आवश्यक है कि आज प्रभु के लोग आ गए, प्रभु हमारे चर्च को बढ़ा, प्रभु हमारे कलीसिया को बढ़ा, प्रभु इस कलीसिया में ज़्यादा लोग आए। यानी सुसमाचार के बिना चर्च संख्यात्मक रीति से कभी भी बढ़ नहीं सकता और इसीलिए सुसमाचार सुनाना बहुत ही आवश्यक है। और यदि आप द डोर क्रिश्चियन सेंटर ठाणे इसे बढ़ता हुआ देखना चाहते हो तो यहाँ पर हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो सार्वजनिक तौर पे और व्यक्तिगत स्तर पे सुसमाचार सुनाए और सुनाते रहें कंटिन्यूसली रोज़ हमेशा जब भी मौका मिले। और इसलिए आज समर्पण की आवश्यकता है। मसीहो आज समर्पण कीजिए कि मैं कंटिन्यूसली सुसमाचार सुनाऊँगा, मैं लोगों को चर्च में आमंत्रित करूँगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता हम प्रार्थना करते पिता इस समय पिताजी अपने आप को लीन और नम्र करते तेरे चरणों में, तेरी आत्मा से हमें भर, तेरे पवित्र आत्मा से भर ताकि हम तेरे सुसमाचार की सेवकाई के लिए उत्साह सामर्थ्य भर। पिता परमेश्वर तेरा वचन सुनाने के लिए तो हमें हियाव दे पिताजी, जैसे तेरे प्रेरितों ने तुझसे प्रार्थना की, कलीसिया ने प्रार्थना की, परमेश्वर तूने उन्हें मदद की, उन्हें हियाव दिया। परमेश्वर हमें भी हियाव दे इस धानी शर्च को पिताजी, तू मदद कर ताकि तेरी सेवकाई तेरा सुसमाचार लोगों तक पहुंचा सके। पिता तेरे लहू में सभी को समर्पित करता हूँ पिता, तेरी महिमा होने दे पिता, प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करें। आइए चर्च मैं चाहूँगा फिर से एक बार आप रविवार को 11:45 पर कलीसिया के अंदर उपस्थित रहिए। ऑनलाइन हमारी स्ट्रीमिंग होगी, अपने दोस्तों को रिश्तेदारों को बताइए ताकि वे ऑनलाइन आए और यीशु के सुसमाचार को उस दिन सुने। उसी प्रकार से मैं तेलुगु जो लोग सुनते हैं उन सभी को बताना चाहूँगा कि कलीसिया कॉक्सटाउन जो चर्च, जो हमारा मदर चर्च लीडरशिप चर्च, वो रविवार को सुबह 9:00 एडल्ट बाइबल स्टडी लेता है जो केवल इंग्लिश में होती है और उसके बाद 9:45 पर तेलुगु में और इंग्लिश में सभा होती है। तो मैं चाहूँगा आप उस सभा में भी भाग लीजिए। मैं हर सभा में भाग ले रहा हूँ और मैं बहुत ही आशीषित हुआ हूँ। मैं चाहूँगा आप सभी भी आशीषित होइए। आई मीन प्रभु आप सबको आशीष करें। मत भूलिए कल मेंस सीरियस मेंस का आखिरी सेशन है, तो क्षमा करें और 2 सेशन बाकी है, तो आप सुबह जल्दी उठिए और 7:30 जूम पे लॉग इन कीजिए। उसकी जानकारी मैंने आप सभी को
भेजे हैं। प्रभु आप सबको आशीष करें। आइए प्रार्थना में समाप्त करेंगे। पहले पिता मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए, तो हमसे बातें कर तेरा वचन पिताजी जो तूने हमसे बातें की है उसे हमारे मन में एक बीज के समान बढ़ने के लिए मदद कर पिताजी। हम आत्माओं को जीतने वाले बने, लोगों के उद्धार का कारण बने पिताजी। सभी मीटिंग्स को तेरे पवित्र हाथों में देता हूँ प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ।